केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा ईडी का रवैया मनमाना, दाखिल किया प्रतिउत्तर, सोमवार को होगी मामले पर सुनवाई। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी पर बेहद मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में जांच में सहयोग न करने के ईडी के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। ये भी कहा कि उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत और सामग्री नहीं है जिससे उनका अपराध में शामिल होना साबित होता है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप लोकसभा चुनाव आयोग के बाद हुई गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा कि इसे ईडी का मनमाना रवैया साबित होता है और पता चलता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केजरीवाल ने ये दलीलें शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए प्रतिउत्तर में दी हैं। सोमवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया था नोटिस। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और ईडी के जवाब के बाद केजरीवाल को भी प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया था। ईडी ने जवाबी हलफनामे में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए उन्हें आबकारी घोटाले का किंग पिन और मुख्य साजिशकर्ता बताया था। गिरफ्तारी की नहीं थी कोई जरूरत केजरीवाल, ईडी ने नौ समन के बावजूद केजरीवाल के पेश होने की बात कहते हुए जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने शनिवार को दाखिल प्रतिउत्तर में ईडी पर कानून की अनदेखी कर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के समय पर उठाए सवाल, गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई जो मंशा को दर्शाता है। ईडी द्वारा उनकी गैरकानूनी गिरफ्तारी से चुनाव के दौरान समान अवसर प्रभावित होता है जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य है। केजरीवाल ने नौ समन पर पेश न होने और जांच में सहयोग न करने के ईडी के आरोप पर कहा है कि हर समन का जवाब दिया गया था और ईडी ने विशेष तौर पर सहयोग करने का खुलासा नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।